लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, बेस है वो एसक्यूएल की, बेसिकली वो थ्योरेटिकल मॉडल है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में हम एसक्यूएल में इंप्लीमेंट करते हैं वो सारे रिलेशनल अलजेब्रा में दिए गए थे कॉन्सेप्ट्स 1970s में बाय ईएफ कोड। उसमें हमने कुछ ऑपरेटर्स को पढ़ा, प्रोजेक्शन सिलेक्शन, अभी बाकी ऑपरेटर्स हमने वन बाय वन पढ़ने हैं। प्रोजेक्शन में हमने देखा कि वो कर रही है, प्रोजेक्शन जो है वो हमारी काम कर रही है कॉलम्स पे, प्रोजेक्ट करना, हम वो सारे कॉलम डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करवा देते हैं आपकी डेटाबेस में, कोई भी टेबल रिकॉर्ड जो भी इंफॉर्मेशन भरी हुई है उसमें से वो कॉलम सेलेक्ट करते हो और वो डिस्प्ले करवा देते हो यहाँ पे। उसके बाद हमने सिलेक्शन देखा, सिलेक्शन का क्या मतलब है, सिलेक्शन रोज पे काम कर रही है, टपल्स या रोज, वो हमें वो वाली रोज, ये जो कंडीशन हम लिखते हैं इस कंडीशन को जो रोज सेटिस्फाई करती है वो टपल्स या वो रो हमें डिस्प्ले करवा दो। उसके बाद है कंबाइनिंग सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, कुछ क्यूरीज में फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे मांगा है कि मुझे स्टूडेंट के नेम चाहिए और वो आप डिस्प्ले करवा दोगे, कुछ में मैं कहती हूँ कि मुझे किसी का सीजीपीए 5 है उसका रिकॉर्ड चाहिए, सीजीपीए जिसका 2.5 है उसका, उन बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप कुछ में प्रोजेक्शन और कुछ में सिलेक्शन। हम समटाइम्स कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें प्रोजेक्शन और सिलेक्शन हमें कंबाइन करनी पड़ती है, उसमें क्या करेंगे, प्रोजेक्शन हमारी काम करती है कॉलम्स पे और सिलेक्शन काम करती है रोज पे। अब इस सिचुएशन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इस क्यूरी को आपके सामने, मैंने क्यूरी लिखी हुई है आप ये, इसको हम अगर इंटरप्रेट करते हैं तो यहाँ पे एक हमारे पास डाटा है, डेटाबेस है या रिकॉर्ड है या टेबल है, वो किया है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव है, ये क्या करेगी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्यूरी मेंशन करके उस क्यूरी लिखना सिखाया कि एक आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है रिट्रीव करें ये डाटा, तो उससे आप क्यूरी कैसे रिलेशनल अलजेब्रा में लिख सकते हैं, आप रिलेशन क्यूरी अगर मेंशन है इसकी आउटपुट क्या आएगी अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे, आपके पास है स्टूडेंट का रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे टेबल का नाम है, इस टेबल के अंदर से आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन का क्या मतलब है रोज, हम रोज कुछ पर्टिकुलर रोज सिलेक्ट करते हैं, अगर मुझे पूरे के पूरे टेबल का रिकॉर्ड वो चाहिए हो तो फिर तो मैं प्रोजेक्शन अप्लाई कर दूंगी और वो कॉलम सारे एक्सट्रैक्ट कर लूंगी जो कॉलम चाहिए मुझे, फॉर एग्जाम्पल मुझे सारे स्टूडेंट का लास्ट नेम फर्स्ट नेम और स्टूडेंट आईडी चाहिए, तो मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली प्रोजेक्ट करूंगी उन सब का लास्ट नेम फर्स्ट नेम एंड स्टूडेंट आईडी, तो सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। अब मुझे स्टूडेंट का लास्ट नेम फर्स्ट नेम और स्टूडेंट आईडी चाहिए लेकिन उन स्टूडेंट का जिन्होंने मेजर हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा हुआ है, जिनका मेजर है कम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस है, जिनका मेजर कुछ भी, मैं उन पर्टिकुलर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और स्टूडेंट आईडी फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो उस केस में जब मुझे स्पेसिफिकली मैंने कोई कंडीशन लगा दी है कि मुझे ये पर्टिकुलर टपल्स या ये रोज चाहिए, तो उसमें सिलेक्शन यूज होगा, पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे रोज को, ये जो डेटाबेस है इस डेटाबेस में जिनका मेजर, ये किसी कोई कॉलम होगा कोई एट्रीब्यूट है, ये कॉलम मेजर हिस्ट्री है, उन सबको सेलेक्ट कर लो डिस्प्ले करवा दे, अब जो हमारे पास आउटपुट में टेबल आएगा उसमें वो उन सारे स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड होगा जिनका मेजर हिस्ट्री है, वो सारा रिकॉर्ड हो सकता है कि उसमें 100 कॉलम्स हो, तो अब उन कॉलम्स में से मुझे 3 कॉलम रिट्रीव कर दो, कौन से 3, लास्ट नेम फर्स्ट नेम और स्टूडेंट आईडी, तो अब मेरे पास आउटपुट जो आएगी वो टेबल के अंदर 3 कॉलम होंगे, लास्ट नेम फर्स्ट नेम और स्टूडेंट आईडी, सिर्फ उन स्टूडेंट का जिनका मेजर हिस्ट्री था, ये हम प्रोजेक्शन और सिलेक्शन को कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टिजन प्रोडक्ट, क्रॉस का सिंबल हम इसको यूज करते हैं, ये ऑपरेटर जो है इसमें हम दो टेबल को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एक सिंगल टेबल का भी हो सकता है कि हम एक टेबल को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो टेबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, या ये भी हो सकता है कि हम एक ही टेबल को खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट में, समटाइम्स हम जब ज्वाइन का टॉपिक पढ़ेंगे तो ज्वाइन में आएगा सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन में हम एक टेबल को खुद ही के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है
हमारा एसक्यूएल में भी यूज होता है, रिलेशनल अलजेब्रा में, ये सारे जो हैं ये एसक्यूएल की ऑपरेटर्स, एसक्यूएल की बेस बना रहे हैं। हम ज्वाइंस का एक कंप्लीट टॉपिक अभी पढ़ेंगे, जिसमें इक्वी ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ये सारी ज्वाइंस होंगे। ज्वाइंस क्या मतलब होता है? क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन। हम दो क्रॉस प्रोडक्ट पहले कर लेते हैं सेम इसी तरह जैसे अभी हम देखेंगे, और उसके बाद कोई कंडीशन लगाते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट करके ये कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा हमें डिस्प्ले करवा दो। हम रिट्रीव कर रहे हैं डेटाबेस में से कुछ डाटा को। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हम दो टेबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सिंगल टेबल भी हो सकता है एक टेबल को खुद के साथ, जैसे ए क्रॉस ए अगर मैं कर लूँ या बी क्रॉस बी कर लूँ तो एक टेबल का भी हो सकता है। अभी यहाँ मेरे पास दो टेबल्स हैं, मैंने सिंपलिसिटी के लिए, ताकि मुझे बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े, तो मैंने सिंपल एक एक कॉलम रखा है। मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। अब जब मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो ए टेबल है, उस टेबल के अंदर कितने दो कॉलम है, और इस टेबल के अंदर भी दो कॉलम है, तो मेरे पास नए बनने वाला जो ए क्रॉस बी होगा उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, इन दोनों के नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करके। यहाँ पे मेरे फर्स्ट टेबल ए के अंदर कितने कॉलम है, एक। टेबल बी के अंदर कितने कॉलम है, दो, एक ही कॉलम है। तो हम 1+1 टू कॉलम, मेरे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर 1+1 = 2, क्रॉस प्रोडक्ट वाले टेबल में टू कॉलम होंगे। और नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी मेरे फर्स्ट टेबल, यहाँ पे बल्कि सॉरी एक मिस्टेक है कि मैंने ई के साथ आगे मल्टीप्लाई नहीं किया, ई की भी आएगी, ई ई ई 3 टाइम ई आएगा, 1 2 3 उसके साथ लिखा हुआ होगा। यहाँ पे अगर मैं ये करूँ तो यहाँ पे जितनी मेरी रोज हैं, 1 2 3 4, 4 तक जैसा किया हुआ है, 5 का किया नहीं है, यहाँ मिस्टेक है। तो 5 रोज हैं, और 5 रोज को अगर मैं 3, मेरे पास इधर रोज हैं, तो मैं इसकी रोज को फर्स्ट अपने टेबल की रोज को मल्टीप्लाई करती हूँ सेकंड टेबल की रोज के साथ, तो 3 सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आता है। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों 12 क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 तक लिया हुआ है, ई वाला लिया नहीं हुआ, ई को भी मल्टीप्लाई कर दें तो 15 बन जाएंगे। मैंने आपको बताया ई एफ कोड, अकॉर्डिंग टू ई एफ कोड जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो मल्टीप्लाई, दो टेबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, जो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट का टेबल बनता है, उस टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं, वो जो हमारे टेबल क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं उनके कॉलम्स की एडिशन होती है, और नंबर ऑफ रोज उनकी नंबर ऑफ रोज की मल्टीप्लिकेशन होती है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या थी, हम कर कैसे रहे होते हैं, मैं यहाँ पे पहला मेरे पास ए है टेबल, उसमें से मैं एक रो उठाऊंगी, एक रो को उसको इसकी पहली रो के साथ, इसकी दूसरी रो के साथ, और इस सेकंड की तीसरी रो के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। A1, A2, A3, यहाँ पे भी देख लें, A1, A2, A3 बन गया। फिर मैं सेकंड रो उठाऊंगी और सेकंड रो को भी इसकी पहली के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। B1, B2, B3, यही बनेगा, यहाँ पे B1, B2, B3। C, थर्ड रो को उठाऊंगी और थर्ड रो को भी सेकंड वाले टेबल के तीनों रोज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। C1, C2, C3, यहाँ पे C1 2 3। D, फोर्थ रो को इसको उठा के इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। E, देन अगेन इधर नीचे कॉलम आ जाएंगे, E1, E2, E3, और ये हमारे पास दो कॉलम और 15 रोज आ जाएंगी टपल्स। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, हम दो टेबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, पहले टेबल की पहली रो को हम दूसरे टेबल, पहले सबसे पहले नया जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला टेबल बनता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो दोनों टेबल्स के नंबर ऑफ कॉलम के एडिशन के इक्वल होते हैं, और पहली हम रो को लेते उठाते हैं और इसकी सारी रोज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर सेकंड रो को उठाते हैं और फिर सारी रोज के साथ, थर्ड को उठाते हैं और सारी रोज के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और इस तरह हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का टेबल नया प्रोड्यूस हो जाता है। ये आपकी बुक के चैप्टर 5 है शायद, रिलेशनल अलजेब्रा का चैप्टर 5 है, वहां से एग्जाम्पल मैंने ली है। इसको हम आगे ज्वाइन में भी यूज करेंगे। ज्वाइन में क्या करते हैं कि सिंपल इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट में कंडीशन, हाँ, मैं कहूंगी कि जिनका Q
जो है एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, क्यू एट्रीब्यूट. फॉर एग्जाम्पल ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है 3 आ रहा है, वो उनका नेम डिस्प्ले करवा दो. ये नेम है, ये सब्जेक्ट है. जिन जिनका क्यू 3 है वो मुझे पी डिस्प्ले करवा दो. जहां जहां क्यू 3 है वहां पी डिस्प्ले करवा दो. तो ये कंडीशन है. तो वो इसमें से क्या लेगा, ए बी सी वो डिस्प्ले, इस तरह से कुछ कंडीशन. तो ये हम क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन करते हैं, ज्वाइन में इसका इस्तेमाल होगा, इसको याद रखना है आपने.